गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर है लेंस। लेंस हैविंग टू टाइप्स, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। देखिए, कन्वेक्स लेंस का फिगर कुछ इस टाइप से होता है और कनकेव लेंस का फिगर कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। और इस लेंस के बारे में हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो लेंस है ये दो सर्किल से बना हुआ है, इसमें दो सर्किल छिपे हुए हैं, है ना। कैसे छिपे हुए हैं? जैसे मान लीजिए हम इस लेंस को थोड़ा छोटा कर दें, इस लेंस को थोड़ा छोटा कर दें, अगर हम इस सर्किल को कंप्लीट करते हैं, इस सर्किल को अगर हम कंप्लीट करते हैं और इस सर्किल को कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सर्किल अच्छा नहीं बन पा रहा है लेकिन समझाने के लिए है कि कोई भी लेंस दो सर्किल से बनाया जाता है। अगर यहाँ पर दो सर्किल दिखाई दे रहे हैं तो दो सेंटर भी होना बहुत ज़रूरी है, दो सेंटर भी होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इतना क्लियर हो गया? अब ये लेंस के अंदर कहाँ से जा रही है ना। अब देखिए, लेंस का ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। अगर हम दोनों वर्टेक्स को मिला दें, दोनों वर्टेक्स को अगर हम मिला दें तो हमें यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस का सेंटर, ठीक है। लेंस के सेंटर को ही ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक। देखिए, सर्किल का सेंटर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, लेकिन लेंस का सेंटर, क्योंकि लेंस दो सर्किल से बना है तो सेंटर हम कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस और लेंस के वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये तो हो गया आपका, इसके लिए क्लियर। अच्छा, इसके लिए देखिए, ये भी दो सर्किल का पार्ट है, ये भी दो सर्किल का पार्ट है। कैसे? एक पार्ट आपका ये हो गया और एक पार्ट आपका ये हो गया, ठीक है ना। कहने का मतलब है लेंस दो सर्किल से बना है, दोनों का एक सेंटर होगा, दोनों सर्किल का एक सेंटर होगा और इस सेंटर को मिलाने वाली लाइन, इस सेंटर को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होती है, क्लियर। अब आता है ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है। देखिए, अगर दोनों सर्किल का रेडियस इक्वल है, दोनों सर्किल का रेडियस इक्वल है, तब तो एकदम बीचों बीच एक आपको परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है और इस परपेंडिकुलर लाइन और इस प्रिंसिपल एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होता है ये हमको पता लग गया।
ठीक है। अब हम लोग जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। देखिए हमें कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करना है और क्या बनाना है, इमेज बनाना है। तो हम पहला इमेज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक लाइन खींचिएगा, लाइन खींचिएगा, ठीक है, और एक पॉइंट लीजिएगा यहाँ पर, इसका नाम रखिएगा सी, क्लियर। अब यहाँ से 11 सेंटीमीटर, कितना 11 सेंटीमीटर हमको इसमें नाप करके यहाँ पर एक पॉइंट लेना है, जो आपका ये आपका C1 हो जाएगा, ये आपका C2 हो जाएगा, क्लियर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 11 सेंटीमीटर। अब आपको लेना है कंपस, कंपस लेंगे, कंपस में जैसे ये कंपस है, कंपस के बीच का डिस्टेंस आपको 6 सेंटीमीटर लेना है, कितना 6 सेंटीमीटर लेना है, और कंपास को यहाँ रखिएगा और एक आर्क ऐसे बनाइएगा, ठीक है। और फिर कंपास यहाँ रखेंगे और एक आर्क ऐसे बनाएंगे, क्लियर। तो ये हमको ये सेंटर चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्स लेंस दो सर्किल से बनता है, तो इस सर्किल का सेंटर ये है, इस सर्किल का सेंटर ये है, क्लियर। अगर कोई पूछेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस बेटा यहाँ से लेकर के ये वाली लाइन, इस डिस्टेंस को ही हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्लियर। अच्छा, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यहां से एक लाइन खींचिए और इस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हमें फोकस निकालना है, तो फोकस के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि रेडियस का हाफ फोकस होता है, तो ये रेडियस आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यहाँ 6 सेंटीमीटर लिया है। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर ले करके आप यहाँ पर F1 कंसीडर करेंगे, ठीक, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे और यहाँ पर F2 लेंगे, क्लियर। इसके बाद आपको मिटाना क्या क्या है, इतना मिटा देना है, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इतने की हमें ज़रूरत थी, ठीक है ना। अब हमें यह जानना है ऑब्जेक्ट और इमेज, हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे और इमेज कहाँ बनेगा, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहली कंडीशन है, हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, एट इनफाइनाइट, कहाँ रख रहे हैं, एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के लिए
हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं बता सकते। यहाँ पर आपको एक बीच में एक लाइन ऐसे खींचनी पड़ेगी, क्लियर। ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर है, तो इनफाइनाइट से एक रे आती है। ये कौन सी रे है? ये लाइट रेज है, ठीक है। और इनफाइनाइट पर क्या रखा है? कोई ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या तो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वो मून की तरह चमकता हुआ दिखाई दे। देखिए, मून की कोई लाइट नहीं होती है, मून पर लाइट सन से पड़ती है और वो मून हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इनफाइनाइट पर एक ऑब्जेक्ट है, वो चाहे ल्यूमिनियस हो चाहे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो। तो अगर वो इनफाइनाइट पर है तो एक रे इनफाइनाइट से आती है और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, और ये कहाँ तक सीधा चलती है, पैरेलल कहाँ तक चलती है? ये देखिए, बीच में एक लाइन बनाए हैं ना, यहाँ तक पैरेलल चलेगी और यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये फोकस से आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये देखिए, फोकस से ऐसे बढ़ गई, ये भी आपका फोकस से आगे बढ़ गई, ये भी आपका फोकस से आगे बढ़ गई और ये भी आपका फोकस से आगे बढ़ गई। क्लियर हो गया? अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। अच्छा, इमेज बनता कहाँ है? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब कई रेस किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं तो वहीं पर इमेज तैयार होता है, उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग, मतलब रियल इमेज तैयार होगा। यहाँ पर कैसा इमेज तैयार होगा? रियल इमेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एट फोकस। इमेज कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर। अच्छा, फोकस पर इमेज छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है? तो ये पॉइंट साइज इमेज बन रहा है, पॉइंट साइज इमेज, क्योंकि ये एक पॉइंट पर ही सब इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इस इमेज की अगर कोई प्रॉपर्टी पूछेगा कि कितना बड़ा इमेज बन रहा है, तो इसे हम पॉइंट साइज इमेज कह सकते हैं, या हम लिख सकते हैं वेरी स्मॉल। क्या? वेरी स्मॉल इमेज बन रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसके लिए, क्योंकि ये सारी जितने भी लाइट रेज हैं ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इमेज आपका बनेगा रियल। क्या बनेगा? रियल बनेगा, ठीक है। एक चीज इसमें है, इन्वर्टेड भी होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। हालांकि ये पॉइंट साइज इमेज है, लेकिन इसके लिए हमें प्रॉपर्टी में लिखना पड़ता है कि ये इन्वर्टेड इमेज भी बन रहा है इसमें, ठीक है ना। नेचर अगर पूछा जाएगा, ऐसे कंडीशन में नेचर पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? वेरी स्मॉल, रियल, इन्वर्टेड, इतना आपको बताना है, ठीक है। अब आता है सेकेंड फिगर।
अब सेकंड फिगर थोड़ा सा हम लोग जल्दी बनाएंगे। देखिए एक हमने लेंस ले लिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, एक हमने वर्टेक्स को मिला दिया एक लाइन से, है ना। अच्छा, इसका कुछ ना कुछ, इस वाले पार्ट का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, इसको हमने C1 मान लिया। इस पार्ट का एक सेंटर होगा, इसको हमने C2 मान लिया, है ना। देखो इधर, और इस पार्ट को F1 और ये F2। अब ये कितना कितना है इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, है ना, जैसा हमने पहले फिगर में बनाया था। अब हम कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट C1 से आगे है, C1 से दूर है, C1 से दूर है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा है, कहाँ रखा है, बियॉन्ड C1, बियॉन्ड C1। तो C1 से एक लाइन हमको लाइट रेज एक खींचनी है, कहाँ तक ले जाएंगे, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस खींची जाती है, ठीक है, ये कहाँ तक जाएगी, ये वाली लाइन तक जाएगी, और यहाँ के बाद क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होकर के कहाँ से निकलेगी, फोकस से। तो इसको हम लोग फोकस से आगे बढ़ा देंगे, इतना तो हमने पिछले वाले फिगर में भी किया था। अब एक चीज़ और जान लेना है कि ऑब्जेक्ट से एक लाइट और निकलती है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। देखो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर, ये थोड़ा सा मिस हो गया है लेकिन आप लोग मिस नहीं करेंगे इसमें। ये ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा बड़ी स्केल यूज करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा रहेगी। तो जहाँ पर ये दो रे इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर आपका इमेज बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बनेगा। और इमेज हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर लिया जाता है। अच्छा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ये सीधा है, ये उल्टा है, है ना, इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज छोटी है। तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन F2 एंड C2, F2 और C2 के बीच में बन रहा है। दूसरी चीज स्मॉल बन रहा है, देखिए वहाँ पर हमने लिखा था वेरी स्मॉल, लेकिन यहाँ पर हम स्मॉल लिखेंगे। अच्छा, रियल क्यों लिखेंगे, रियल इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब दो रे किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और वही इमेज बनता है तो ऐसे इमेज को रियल इमेज कहते हैं। जब दो लाइट रेज आगे बढ़ते हुए एक पॉइंट पे मीट करती है तो वहाँ पर जो इमेज बनता है ऐसे इमेज को हम कैसा इमेज कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। अब ये उल्टा है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड इमेज, क्लियर है। अब आता है तीसरा फिगर, ये आपका लेंस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका C1, ये F1, ये F2,
ये आपका सी टू, क्लियर। और ये हमने ऐसे एक लाइन बना दी ऑप्टिकल सेंटर को जानने के लिए, ना। अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पर है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, एट सी वन, क्लियर। तो सी से हम एक लाइट रेज इंसिडेंट करेंगे लेंस पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके बाद ये रिफ्रैक्ट होगा फोकस से, क्लियर। इसके बाद हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट से एक लाइट और निकलती है जो कि कहाँ से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो हम एक लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे क्लियर, और यहाँ पर हम एक इमेज तैयार होगा। तो जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज भी सी पर ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इमेज कहाँ बनेगा, एट सी टू, क्लियर। ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल है, यहाँ देखने में थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है, यहाँ पर साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट है ना, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज क्या होती है, इक्वल होती है। अच्छा ये रियल है कि नहीं भाई, दो लाइट रे एक पॉइंट पर इंसिडेंट कर रही है तो रियल है, तो इसको हम लोग कहेंगे रियल इन्वर्टेड, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने जाना कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं और तो इमेज कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, क्लियर। अब आता है फोर्थ फिगर, फोर्थ फिगर है दिस इज सी वन, दिस इज एफ वन, एफ टू, सी टू। अब की बार हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं बिटवीन सी वन एंड एफ वन, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को सरका रहे हैं आगे, ना। ऑब्जेक्ट कहाँ लिया है, सी वन और एफ वन के बीच में। काम हमेशा वही करेंगे, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इंसिडेंट करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका फोकस से रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ से एक लाइट रे और आती है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्रैक्ट होती है, और ऑब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, लार्ज, कैसा बनेगा भाई, इससे बड़ा है ना। तो हम अगर ऑब्जेक्ट कहाँ ले रहे हैं, बिटवीन सी वन एंड एफ वन, तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी टू, सी टू से आगे बनेगा, है ना। इमेज के बारे में क्या लिखेंगे, लार्ज, इमेज कैसा बन रहा है, लार्ज, रियल है कि नहीं, रियल है और इन्वर्टेड भी है। तो इस तरीके से हमने जाना कि ये इमेज
इस टाइप से बनेगा, है ना। अब आता है फिफ्थ फिगर, पांचवा फिगर, ये आपका C1 है, F1, F2, C2, ठीक है। अब की बार हम ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे, फोकस पर। देखिए फोकस से हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन ले जाएंगे और इसको रिफ्रैक्ट कहाँ से करेंगे, फोकस से, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे और निकलती है जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है, तो जब हम दोनों को चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि ये दोनों रेस जो रिफ्रैक्ट हो रही है वो पैरेलल होंगी, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज हमारा कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट पर मिलेगा। अच्छा इमेज कितना बड़ा कितना छोटा है बेटा, ये दोनों लाइन कहाँ मिलेंगी, बहुत आगे जा कर के, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इमेज हमारा वेरी लार्ज मिलेगा। कैसा मिलेगा, तो हम इमेज के बारे में नेचर क्या लिखेंगे, वेरी लार्ज। अच्छा कहीं ना कहीं अगर इंटरसेक्ट होगा तो रियल इमेज भी बनेगा, तो ऐसे इमेज के लिए हम लोग रियल लिखेंगे और इन्वर्टेड किस लिए लिखेंगे, क्योंकि उल्टा ही तो बनेगा, है ना। तो इस तरीके से हमने पांच जाना, एक और है, ये आपका हो जाएगा वेरी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसी में से पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए पूछा जाता है। देखिए ये आपका C1 है, ये F1 है, ये F2 है और ये आपका C2 है और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर निकालने के लिए एक लाइन है, ठीक ना। अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, क्या लिखेंगे, बिटवीन फोकस एंड ओ, ओ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ से एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फिर ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी और एक लाइन यहाँ से जाएगी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं, ये लाइन कहीं आगे मिल सकती है, मिलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये लाइन फैल रही है। तो जब लाइट रे फैलती है तब हमें जो इमेज मिलता है वो वर्चुअल इमेज मिलता है, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है, क्या हो रही है, डाइवर्ज। तो डाइवर्ज जब होने लगती है तो हम रे को क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने की बजाय पीछे बढ़ाते हैं। तो देखिए अगर हम इसको इस तरफ बढ़ाएं, ऐसे इस तरफ आगे बढ़ाएं और इसको बेटा इस तरफ ऐसे पीछे बढ़ाएं, तो ये पीछे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रे डाइवर्ज कर रही है, कन्वर्जिंग नहीं कर रही है। कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट पर मिलना और डाइवर्जिंग मतलब फैलना। तो यहाँ लाइट फैल रही है लेकिन हमने पीछे मिलाया है, तो यहाँ पर जो हमारा इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, ठीक। हमारा इमेज कहाँ बनेगा, हमारा इमेज कैसा रहेगा,
वर्चुअल, लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा बनेगा, और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट भी सीधा है और इमेज भी सीधा है। तो इस तरीके से हमने छः इमेज का फॉर्मेशन बाय ए कन्वेक्स लेंस सीखा। अब इसके बाद आपको सीखना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कनकेव लेंस। अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस का हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ इमेज सीखा। अब हमें कनकेव लेंस का फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन सीखना है। देखिए इसमें केवल दो ही फिगर होते हैं और दोनों फिगर बहुत आसान है ना, लेकिन बनेगा कैसे? देखिए सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है, एक पॉइंट लेना है C1 और एक कंपास लेना है, और इस कंपास के बीच, सॉरी अभी कंपास नहीं लेंगे, अभी हम 13 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट और कंसीडर करेंगे C2, है ना। अच्छा लेंस जो कन्वेक्स लेंस था उसमें कितना लेते थे? 11 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमें लेना है 13 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमें एक कंपास लेना है और कंपास के बीच की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर लेनी है, और 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के यहाँ से हमें एक आर्क खींचना है कुछ ऐसे, और यहाँ से भी एक आर्क हमको खींचना है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो हमें इसको ऐसे मिला लेना है, इसको ऐसे मिला लेना है। अच्छा क्योंकि दोनों सर्किल का रेडियस इक्वल है तो एकदम बीचों बीच हमें एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है जो ऑप्टिकल सेंटर फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है। हमने आपसे कहा कि कनकेव लेंस में केवल दो ही फिगर हमको जानना है, एक फिगर देखिए इसमें हम ऑब्जेक्ट कहाँ कंसीडर करेंगे? इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट कहाँ कंसीडर करेंगे? इनफाइनाइट पर। तो होता क्या है कि इनफाइनाइट से एक रे जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी इस फिगर में एक चीज़ मिसिंग है, मिसिंग क्या है? हमने फोकस नहीं लिया था, ये फोकस हमें 3 सेंटीमीटर का लेना होगा, 3 सेंटीमीटर। इनफाइनाइट से कोई रे जाती है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। इसके बाद ये लाइट रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्ट होकर के कहाँ जाएगी? अभी तक हम लोगों ने जो कन्वेक्स लेंस में पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि कोई भी लाइट यहाँ जाएगी और रिफ्रैक्ट होकर के फोकस से होकर के गुजरती है, लेकिन यहाँ पर ये फोकस से नहीं गुजरेगी, ये फैलेगी, ये ऐसे करके फैलेगी। फैलना मतलब डाइवर्ज होना होता है। तो अगर हम डाइवर्ज बेटा सिस्टम से नहीं बनाएंगे ना तो हमारा ये आंसर, ये फिगर इनकरेक्ट हो जाएगा,
तो इसमें एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक से हमें ये पता लगेगा कि हम किस एंगल पर डाइवर्ज हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस वाले फोकस से मिलाएंगे, और जब मिलाएंगे तो डॉट डॉट करके मिलाएंगे, क्लियर। तो यहाँ तक तो डॉट डॉट रहेगा, और इसके बाद ये ऐसे ये डाइवर्ज हो गई, मतलब ये लाइट आई और यहाँ से डाइवर्ज ऐसे हो गई। अच्छा इसको देखिए, इसको भी आप फोकस से ऐसे मिलाएंगे, ऐसे फोकस से मिलाएंगे, और इसको भी आप ऐसे डाइवर्ज दिखा देंगे, है ना। इस पॉइंट पर भी डाइवर्जिंग दिखाना है तो हम फिर फोकस से एक डॉट डॉट लाइन खींचेंगे, ये आपका देखिए डाइवर्ज हो गया। और यहाँ से भी हम इसको मिलाएंगे और ये डाइवर्ज हो गया, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा कि ये डाइवर्जिंग यहाँ से ना हो तो ज़्यादा बेटर है। ना हम ये वाली लाइन को हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से निकल रहा है, इधर से नहीं निकलना है, इस पार्ट से इस लाइन को डाइवर्ज होना चाहिए, ये चलिए ये इसको सही माना जा सकता है ना, लेकिन इसको गलत माना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसी कोई दिक्कत पड़ रही हो तो ये वाली लाइन को मिटा सकते हैं, ये वाली लाइन को हम इरेज करना पड़ेगा, मजबूरी है, इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर नहीं है, है? देखिए ये एक कनकेव लेंस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये बीचों बीच परपेंडिकुलर लाइन क्यों खींचा गया है, ऑप्टिकल सेंटर फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर आपका एक सेंटर है जिसका नाम C1 रख दिया, यहाँ पर एक सेंटर है ये C2 रख दिया, क्लियर। अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ कंसीडर करें, कहीं पर भी, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, ये आपकी इच्छा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर है, तो ये ऑब्जेक्ट से जब ये लाइन ऐसे करके सीधा आएगी तो ये बेटा यहाँ पर भी एक देखिए एक मिस कर दिया हम लोगों ने, यहाँ F1 है और यहाँ पर F2, तो ये इस वाले फोकस से होकर के नहीं गुजरेगी, क्यों, क्योंकि ये कनकेव लेंस है, तो ये इसको फैलना चाहिए, डाइवर्ज होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे फोकस से मिला देंगे, क्लियर। अब ये आपका कुछ डाइवर्ज होकर के ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से एक लाइट रे और निकलती है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है, तो हमें एक लाइट रे और लेनी है, क्लियर। अब ये दोनों लाइट रे
जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, है ना। अगर इसके बारे में कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कहीं पर है। इसको लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने है ना, चाहे जहाँ। तो इमेज कैसा बन रहा है, इमेज पहली बात बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर है ना, कैसा बन रहा है, स्मॉल। और क्यों, क्योंकि इसमें डाइवर्ज रेस का यूज हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। क्लियर हो गया। और इससे पहले जो हमने फिगर बनाया था वो कुछ इस टाइप से था, यहाँ पर एक रे ऐसे गई थी, ये आपका C1 था, ये आपका F1 था, आपने ऐसे करके डॉट डॉट दिखाया था, और एक डॉट डॉट आपने ऐसे दिखाया था, ये फैल गई थी ऐसे, और इसको भी आपने ऐसे फैला दिया था। ये हमने इमेज बनाया। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में अगर हम बताएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, एट इन्फिनिटी है। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी है। और इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस, कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। अभी भी आएगा भी। तो वर्चुअल, वेरी स्मॉल और इरेक्ट। क्लियर। तो ये दोनों का हो गया। इस तरीके से आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का लेक्चर आज कंप्लीट हो गया है। इसको बच्चों अब ध्यान से बनाना सीखिए, है ना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। थैंक यू।